दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, RRAPO से रिलेटेड भी है और RRB कलर से भी रिलेटेड है। इसी वजह से आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि मैंने लिखा हुआ है बिहार वल्ला वल्ला, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह है, कुछ शीरे हैं। एक RTI की गई थी, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, कौन से बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। RTI की गई थी, मीन्स वहाँ पर RTI में दो चीज़ पूछा गया था कि बिहार में जो बिहार आपका बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, उसमें जो नॉट रिपोर्टेड NR करके था, तो उसमें आपका कितना क्या चीज़ें रिपोर्ट होंगी, वैकेंसीज क्या नहीं होंगी। तो उसके बेसिस में दो डिटेल्स आए थे, पहला ये दोनों डिटेल्स हैं। पहला डिटेल था कि 104 वैकेंसीज को जो आपका PU है उसमें ऐड किया जाएगा, बिहार उत्कल ग्रामीण बैंक में खाली टोटल ये है, ठीक है। और 99 वैकेंसीज आपकी टोटल ऐड की जाएंगी आपके क्लर्क के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा बना दिया जाए गुड न्यूज़ के फॉर्म में, देन आप लोग इससे थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। मैंने कुछ अपने ओपिनियन बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था क्लर्क का भी और PO का भी, तो थोड़ा सा मैं उसमें करेक्शन करना चाहूँगा इनके बेसिस पे। और जितने भी बैंक मैंने बोला था, अगर NR जहाँ पर भी लिखा हुआ है अगर वो लोग वैकेंसी को रिपोर्ट करते हैं, देन वहाँ पर क्या होगा, आपका कट ऑफ कम जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर रिपोर्ट नहीं करते देन कट ऑफ कम नहीं होने वाली है। बिहार उत्कल ग्रामीण बैंक आपका RTI के थ्रू पता चल चुका है, और भी ऐसे जितने बैंक जहाँ पर NR लिखा हुआ है अगर वो रिपोर्ट करते हैं देन जो मैंने कट ऑफ बताया उससे कम हो जाएगी, ठीक है। बिहार का बता दे रहा हूँ, लास्ट ईयर 2019 में 195 वैकेंसी थी, इस बार अभी ये जो ऐड नहीं हुआ है वैकेंसी उसके पहले तक 56 थी, अभी 99 कलर की और वैकेंसीज आपकी उत्कल जो बिहार उत्कल बैंक है, उत्तर बैंक है, और उसमें ऐड कर दी गई हैं। अब टोटल जो वैकेंसी इस साल हो गई हैं आपकी क्लर्क में बिहार में 155 हो गई हैं। तो कट ऑफ मैंने जो बताया था, जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी आपकी बिहार की क्लर्क की 74.25 थी, इस बार जो अब कट ऑफ होने वाली है ये अराउंड 70 होने वाली है, मतलब 70 प्लस माइनस 1 करके आप समझ सकते हैं, ठीक है, अराउंड। ये करेक्शन वाला है, पहले मैंने जो बताया था अराउंड 74-75 बताया था कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका वैकेंसीज ऐड होने की वजह से, ये वैकेंसी ऐड होने की वजह से कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा और कट ऑफ आपकी इतनी अराउंड जाएगी, ठीक है। अब PO की बात कर लेते हैं, PO में क्या था, 2019 में 218 पोस्ट थी, इस बार अभी नॉट रिपोर्टेड जॉब का था ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जॉब का था, इसमें जो आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हुई उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 137 वैकेंसी थी, एक उसमें आपका नॉट रिपोर्टेड था, उसमें 104 वैकेंसी आपकी PO में ऐड हुई है, तो टोटल वैकेंसी इस बार जो हो जा रही है 241 हो जा रही है। तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी 58 थी, UR की है ये कट ऑफ, OBC ST EWS की इससे कम ही जाएगी, ठीक है। इस बार जो आपकी कट ऑफ होने वाली है ये 53 अराउंड रहने वाली है PO की बिहार में, ठीक है। और UP का जो मैंने बताया था अराउंड 50 से लेके 52 तक आपकी आपकी कट ऑफ रहने वाली है UP की, मैंने बताया था ये मैक्सिमम कट ऑफ बताया था, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है UP की, ठीक है। तो यही एक गुड न्यूज़ था, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाओगे बिहार वाले, और जितने भी लोग बिहार से अप्लाई किए हुए वो सारे लोग खुश हो सकते हैं। तो चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, जहाँ जितने जगह पर नॉट रिपोर्टेड जितने बैंक में लिखा हुआ है उन सब में ज़रूर वैकेंसी रिपोर्ट होंगी। क्यों होंगी, अगर प्रीलिम से पहले हो जाती है देन आप सभी लोगों का कट ऑफ हमेशा नीचे चला जाएगा, मैंने बार बार ये चीज़ बोला हुआ था, ठीक है। क्यों रिपोर्ट होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, या जो लोग ज्वाइन किए थे वो छोड़े नहीं थे, कई लोगों का आपका SBI क्लर्क में अभी वेटिंग लिस्ट में हो गया, कई लोग आपके IBPS PO ज्वाइन कर लिए, कई लोग IBPS क्लर्क ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे जो नॉट रिपोर्टेड है वो सब रिपोर्ट करेंगी, चाहे उड़ीसा की बात ले लो, चाहे किसी भी स्टेट की बात ले लो, ठीक है। उन सब जगहों पर आपकी रिपोर्ट होंगी और जो कट ऑफ रहेगी वो रिड्यूस थोड़ी सी हो जाएगी, जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।